देख करके बड़े बड़े देवता यहाँ तक कि महादेव भी ना रुक पाए और वह भी गोपी का रूप बना कर आए। आइए हम सभी बड़े भाव के साथ उसी लीला प्रसंग की ओर चलते हैं और सभी भगवान की उस लीला का बैठकर दर्शन करेंगे, कोई उठेगा नहीं। एक बार भोलेनाथ माँ पार्वती, भोलेनाथ ने देखा माँ पार्वती बड़ी सुंदर सज धज करके कहीं जाने को तैयार हो रही। पूछा महादेव जी ने, कहाँ जा रही हो देवी? तो पार्वती जी कहती है, मैं तो रास में जा रही हूँ भगवान के गोलोक धाम। महादेव जी कहते हैं, ये कैसा रास है, मुझे भी देखने के लिए ले चलो। बोले, आप नहीं जा सकते, वहां तो भगवान कृष्ण जा सकते हैं। आइए वही चर्चा। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मन्ना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मन्ना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। मोहन की सेवा वहां
करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी विभिन्न आ गए हैं गोकुल में। देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा उपाय बता देता हूँ। वहाँ पुरुष नहीं जा सकता, स्त्री तो जाती है ना, मुझे गोपी बना कर ले चल। मैं घूंघट मार के जाऊंगा और कह देना कि ये मेरी सखी है, कोई पूछेगा नहीं, मेरा भी काम बन जाएगा और तेरी भी हंसी नहीं होगी। पार्वती कहती चलो कोई बात नहीं, सजाया भोलेनाथ को, ऐसा सजा दो मुझको साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए महादेव की जय हो, ठाकुर जी की नजर पड़ती है महादेव के ऊपर। ये लंबी चौड़ी गोपी कहां से आई? अरे गोपी तो बड़ी दुबली पतली बड़ी प्यारी प्यारी होती है, ये इतनी मोटी लंबी चौड़ी गोपी कहां है? कौन गांव की देखूं तो सही, पहली पहली बार दिख रही है आज। महादेव जी आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। महादेव जी कहने लगे कहां फंस गए, अच्छे भले आ जाते बाबा जी रूप में, ये काहे को गोपी का रूप बना लिया, अब फंसे। भगवान की नजर तो हर कहीं चली जाती, हम कहां बचने वाले हैं। बड़े भाग रहे, बच जाएं, कभी किसी गोपी के पीछे छुपे, कभी कभी किसी गोपी के पीछे छुपे, लेकिन ठाकुर जी हर गोपी के पास जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। अंत में महादेव जी के जब भागते भागते चरणों पर नजर पड़ी तो देखा, अरे चरण में तो भस्म लगाई हुई है, अरे ये कोई भोली नहीं, ये तो भोला है, ये कोई गोपी नहीं, ये तो गोपा है। पोल कैसे खुलेगी आज? ठाकुर जी ने बांसुरी उठाई और कहा, महादेव कहां भागोगे अब हमसे बच करके? और क्या हुआ, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे, ऐसी
भगवान की, बोलो राज बिहारी सरकार की।